सियासी मैदान से खबर का भी रुख कर लेते हैं। इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। कोल्ड शराब घोटाले में और उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है, तो एक तरह से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी। सीबीआई और ईडी के लगभग 800 ऑफिसर्स पिछले 4 महीनों से इस केस पे काम कर रहे हैं। इन एजेंसीज ने रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनको एक ही काम दिया गया था कि कुछ भी करो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी सबूत लेके आओ, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना है। कल की चार्जशीट से ये साबित हो गया कि इनको मनीष सिसोदिया के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला, इतना सा भी सबूत नहीं मिला। चुनाव के एक हफ्ता रह गया एमसीडी चुनाव का, अगर उन्हें इतना सा भी सबूत मिला होता तो वो उसको इतना उछालते जब कुछ नहीं होता तभी इतना उछालते हैं। इसका मतलब उनको रत्ती भर भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला। इस दौरान इन्होंने 800 अफसरों ने काम किया, 24 घंटे काम किया, 500 से ज़्यादा जगह रेड मारी। मनीष सिसोदिया जी के सारे ठिकानों पर रेड मारी गई, उनकी दीवारें तोड़ तोड़ के देखा गया कि अंदर कहीं कैश तो नहीं है। ये कह रहे थे 10,000 करोड़ का घोटाला है। उनके गद्दे फाड़ फाड़ के देखे गए कि उसमें कोई पैसा तो नहीं है। उनके लॉकर सारे देखे गए, मनीष सिसोदिया का एक ही बैंक लॉकर है वो देखा गया। मनीष सिसोदिया के जितना गांव में सारे रिश्तेदारों सबकी जांच कर ली इन्होंने, कुछ भी नहीं निकला। तो कल की चार्जशीट ये दिखाती है कि इनको रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। और ये जो कह रहे हैं कि अभी जांच जारी है और एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ सकती है, वो तो अब अपना चेहरा बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए और क्या कहेंगे। हमारी जांच तो प्रधानमंत्री जी जिंदगी भर कराएंगे, जब तक हम जिंदा हैं तब तक जांच चलती रहेगी। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तब से जांच शुरू है, सारी एजेंसीज हमारी जांच करने में लगी हुई है, तो हमारी जांच तो जिंदगी भर जारी है। लेकिन अब तक इन लोगों को, आज तक जो इन्होंने जाँच की उसमें रत्ती भर भी इतना सा भी सबूत नहीं मिला, 25 पैसे की भी इनको कहीं गड़बड़ नहीं मिली। तो मैं हमेशा कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं। प्रधानमंत्री जी पर्सनली इस केस को मॉनिटर कर रहे थे, मेरे सूत्रों ने बताया। प्रधानमंत्री जी पर्सनली सीबीआई डायरेक्टर से मिलते थे, प्रधानमंत्री जी पर्सनली ईडी डायरेक्टर से मिलते थे। उनको प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए थे कि कुछ भी करो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो। लेकिन सारी जांच के बावजूद ये मनीष सिसोदिया के खिलाफ जरा सा भी सबूत नहीं ले पाए। आज हम गर्व के साथ पूरे देश के सामने कह सकते हैं, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और हमारे खिलाफ इन लोगों ने पूरी जांच कर ली, हमारे खिलाफ जरा सा भी सबूत ये लोग नहीं ला पाए। इसी आज मैं खड़ा होकर कहता हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं। भारतीय राजनीति के अंदर एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं, कोई खड़ा होकर कह दे वो कट्टर ईमानदार है। इसी वजह से इनको तकलीफ है, इसी वजह से ये रोज कीचड़ फेंकते हैं हमारे ऊपर। लेकिन इन्होंने इतनी हमारी जाँच कर ली, सारी फाइलों की जाँच कर ली, सारे अफसरों को लगा दिया, सारी एजेंसी को लगा दिया, ये कुछ नहीं निकाल पाए आज तक। केवल शराब घोटाला ने किसी केस में कुछ नहीं निकाल पाए। मेरी अब हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप 18 घंटे काम करते हैं, 18 के 18 घंटे आप बस यही सोचते हैं कि मैं किस तरह से केजरीवाल को रोकूं काम करने से, किस तरह से केजरीवाल के मंत्रियों को गिरफ्तार करूं, किस तरह से केजरीवाल पे कीचड़ फेंकूं। मेरा आपसे निवेदन है, 18 में से 2 घंटे भी अगर आप देश के लिए काम कर लें तो देश में महंगाई और बेरोजगारी जिससे जनता त्रस्त है उससे थोड़े से लोगों को निजात मिल जाएगी। इतना नेगेटिव मत बनिए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए जनता के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा ये कहना है, एमसीडी का चुनाव अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है। भाजपा के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम,
जनता को तय करना है कि वो उनको भाजपा के 10 वीडियो चाहिए या केजरीवाल के 10 काम चाहिए, केजरीवाल के 10 गारंटी चाहिए। 4 तारीख को चुनाव है, 4 तारीख को दिल्ली की जनता, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता इन वीडियो सारे वीडियोस का जवाब दिल्ली की जनता दे देगी। थैंक यू। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।